हेलो एवरीवन, दिस इज समीर। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी बेस्ट बुक है एमएसटी सीटी प्रिपरेशन के लिए। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मार्केट में जो है वैरायटीज ऑफ बुक्स अवेलेबल है, डिफरेंट पब्लिकेशंस है, टारगेट है, अरियंत है, मार्वेल है, बहुत सारे पब्लिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। बट हर एक स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे एमएसटी सीटी के लिए कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए, मुझे एमसीक्यू कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये सारे कंफ्यूजन जो है आपके मन में आते होंगे, तो यही सारा जो डाउट है आपका इस वीडियो में मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और ये देखो, जितने भी इधर बुक्स मैंने मेंशन किए, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी डिपेंड करता है। जिसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हुई होगी वो कोई और बुक यूज करेगा, और जो अभी स्टूडेंट स्क्रैच से पढ़ना स्टार्ट किया है, जो अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, उसके लिए कौन सी बुक होनी चाहिए, ये जो है मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। हर एक बुक के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ। आप कौन सी कैटेगरी में लाए करते हो, आपके लिए कौन सी बेस्ट बुक होगी, ये वीडियो के एंड तक आप जान ही जाओगे। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जो है जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से जो आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहां पे जो है नोट्स पीवाईक्यूज जो है शेयर किया जाएगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ टाइम। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, इस मोमेंट पे जो है दो टाइप्स के स्टूडेंट्स होंगे। एक फर्स्ट टाइप जो है जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, और सेकेंड टाइप जो है जिनकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट लगभग 40-50% कवर हो गई है। तो दोनों को कंसीडर करते हुए यहाँ पे मैं जितने भी बुक्स मेंशन किया हूँ इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को, ताकि आप जो इजीली रिकॉग्नाइज कर पाए कि आपके लिए कौन सी बेस्ट बुक है और आप उसको फॉलो करके बाकी की प्रिपरेशन कर सके। तो चलो फर्स्ट यहाँ पे जो मैंने बुक मेंशन की उसके बारे में हम जानते हैं। पहला है स्कोर बूस्टर। स्कोर बूस्टर में जो है आपको हर एक चैप्टर वाइज आपको जो है पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों की जो है डिफरेंट डिफरेंट बुक आती है स्कोर बूस्टर, वहां पे जो है चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यूज रहेंगे। उसमें जो है स्कोर बूस्टर में सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रहेंगे, वही आपको जो है पढ़ना रहेगा, उसी में आपको जो है सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ये जो आप परचेस कर सकते हो अमेजोन में, आपको मिल जाएगी स्कोर बूस्टर। ये अभी स्कोर बूस्टर कौन से स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है, जिन्होंने अभी अभी प्रिपेरेशन स्टार्ट किए उनके लिए तो बहुत ज्यादा यूजफुल है, और जिनकी जो लगभग 40-50% प्रिपेरेशन हुई है उनके लिए भी जो है ये स्कोर बूस्टर बहुत यूजफुल है। बिकॉज पीवाईक्यूज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं एमएसटी सीटी एग्जाम में। अगर आपने कुछ भी अगर प्रिपेरेशन नहीं की है तो आप जो है वन शॉट वीडियो लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर लीजिए, एंड स्कोर बूस्टर में से जो है चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। इसमें जो है स्कोर बूस्टर में एक ही लैक ऑफ पॉइंट है कि इसमें जो है आपको इनफ ऑफ क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे, 100-100 क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, बहुत ही जो है कम क्वेश्चंस रहेंगे। इसके लिए जो है आपको जो है अगर और ज्यादा एडवांस प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है टारगेट पब्लिकेशन। अगर आप कोई भी एमएसटी सीटी के टॉपर से अगर आप पूछोगे कि उसने कौन सी बुक रेफर की थी उसके प्रिपेरेशन के टाइम पे, सब जो है यही कहेंगे कि टारगेट पब्लिकेशन। टारगेट पब्लिकेशन में जो आपको स्टेप वाइज आपको रहेंगे लेवल वन, लेवल टू एंड कॉम्पिटिटिव लेवल, ऐसे करके स्टेप वाइज आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास अभी इनफ टाइम बचा है तो आप जो है टारगेट खरीद के जो है उसमें से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। टारगेट पब्लिकेशन में से एज इट इज क्वेश्चन एमएसटी सीटी में भी आते हैं, तो टारगेट पब्लिकेशन जो है सबसे बेस्ट माना जाता है एमएसटी सीटी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप टारगेट पब्लिकेशन से अपनी प्रिपरेशन करते हो तो आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा आने वाला है एमएसटी सीटी एग्जाम में। नेक्स्ट जो है अरियंत पब्लिकेशन। अरियंत पब्लिकेशन में आपको जो है कि सारे के सारे सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे, डिटेल में आपको सोल्यूशन मिलेगा एमएसटी सीटी के जो जो क्वेश्चन पेपर्स है, प्रीवियसली इयर्स के जो जो क्वेश्चन पेपर्स है, सब कुछ जो है इस बुक में मिलेगा, एंड इस बुक में आपको जो है डिटेल सोल्यूशन भी मिलेगा। अगर आपके पास बहुत कम समय बचा है एंड आपको जो है सारे के सारे पीवाईक्यूज रेफर करने, क्वेश्चन पेपर्स को देखने, तो आप जो है अरियंत पब्लिकेशन खरीद के जो है उसके डिटेल सोल्यूशन भी देख सकते हो। वहां पे सारे के सारे सोल्यूशन आपको डिटेल में दिए गए, सारे के सारे एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छे से सॉल्व किया गया इस अरियंत पब्लिकेशन में। तो अगर आपको सॉल्व पेपर्स देखना है तो अरियन पब्लिकेशन आप खरीद सकते हो। इसको जो है मैं रेफर करूंगा, दोनों टाइप के स्टूडेंट जो है खरीदें, एंड जितने भी एमएसटी सीटी के जो जो लास्ट ईयर के पेपर्स है सारे ही सारे पेपर्स को गो थ्रू कीजिए। बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऐसे रिपीट होते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि पीवाईक्यूज जो है 60-70% रिपीट्स होते हैं। अगर भले क्वेश्चन ना रिपीट हो तो बट सेम टाइप का ही क्वेश्चन विद डिफरेंट वैल्यूज, ऐसे करके आपको क्वेश्चन जो है रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगे एमएसटी सीटी एग्जाम में। तो अरियन पब्लिकेशन जो है दोनों टाइप स्टूडेंट्स को खरीदना चाहिए। अरियन पब्लिकेशन से आपको जो है आइडिया आ जाएगा कि एमएसटी सीटी एग्जाम में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन से लेवल के क्वेश्चंस आने वाले, ये सब जो है आपको अरियन पब्लिकेशन से पता चल जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, अगर आपको ये परचेस करना है तो अमेजोन से आप परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट जो है मार्वेल पब्लिकेशन। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो जेईई एज वेल एज एमएसटी सीटी प्रिपेयर कर रहे,
तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है मार्वल पब्लिकेशन सबसे बेस्ट बुक है। अभी फर्स्ट अटेम्प्ट तो हो गया है, अब सेकेंड अटेम्प्ट जो है, सेकेंड अटेम्प्ट के लिए अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो और एमएसटीसीटी के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपके लिए मार्वल पब्लिकेशन बेस्ट है। मार्वल से जो है आप अपनी प्रिपेरेशन कर सकते हो। अगर आप एमएसटीसीटी के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं मार्वल रेफर नहीं करूंगा, बिकॉज मार्वल में जो है बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जेई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको जो है जेई के लिए प्रिपेयर करना है एंड जेई के लिए सेकेंड अटेम्प्ट में जाना है एज वेल एज सीईटी के लिए भी प्रिपेयर करना है साथ ही साथ, तब आप मार्वल के लिए जा सकते हो। लास्ट जो है पीएनपीएन, इसमें भी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पीवाईक्यूज आपको जो है इस पब्लिकेशन में आपको देखने को मिलेंगे। ये बुक की भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। होप सो आपको जो है सारे के सारे पांचों बुक्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, आपके लिए कौन सी बेस्ट बुक है ये भी आपने रिकॉग्नाइज कर लिया होगा। आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। वहां पे जो है जल्द से जल्द सारे के सारे पीवाईक्यूज लास्ट ईयर के 2021 के सारे पीवाईक्यूज हम शेयर करने वाले सभी स्टूडेंट्स के साथ, तो वहां पे जो है आपको सारी की सारी पीवाईक्यूज वगैरह मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। और जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक ऐसी मैं आपके लिए बहुत यूजफुल यूजफुल वीडियोस आपके लिए इस चैनल पे लाते रहूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।